नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। दोस्तों, आज हम इस चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर आपके साथ मिले हैं। आपको, आपके पूरे परिवार को, पूरी फ्रेटर्निटी को, पूरे प्रोफेशन को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सीए डे की। साथ ही साथ आज का दिन एक जीएसटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। आज हमारी जीएसटी की थर्ड एनिवर्सरी है। पूरे 3 साल 36 महीने हो गए हैं 1 जुलाई 2020 को। दोस्तों, हमारा प्रोफेशन आज इस डेट पे, ऑफ कोर्स हम पूरी की पूरी दुनिया पेंडेमिक के इस माहौल में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्रोफेशन जो है वो डे बाय डे पिछले इवन 4 महीने से और ज्यादा निखरा है, और ज्यादा सवरा है, और ज्यादा सजा है, और हम लोग सज गए हैं, और हमने अपनी एक्स को शार्प किया है, और हम ज्यादा इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल और अपडेटेड हो गए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे सभी मेंबर्स ने, इंस्टीट्यूट ने साथ मिलकर अपनी नॉलेज को, अपने एक्ट्स को और ज्यादा शार्प किया है, और ज्यादा बढ़ाया है, ताकि क्योंकि आने वाले दिनों में जब इकोनॉमी फिर से बूम पे आएगी, ग्रो करेगी, हम सब ड्राइवर्स की सीट पर बैठे होंगे और पूरी इकोनॉमी को आगे लेकर जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात में विश्वास रखते हैं कि ये आपदा में अवसर की स्थिति है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी इस आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्रोफेशन एक नई ऊंचाई पर जाने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन आवर प्रोफेशन ऑल्सो। आज अगर हमें कोई भी काम करना होता था बिफोर दिस पेंडेमिक, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बीच में रहकर, उसके अंदर रहकर हम ये करते थे, लेकिन अब वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं वो एक्सटेंड हो गई हैं पूरी दुनिया तक। नाउ स्काई इज द लिमिट। आज हम बैठे बैठे यहां पर पूरी कंट्री में, इवन पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई काम कर सकते हैं, किसी से भी कोई बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज अगर हम जीएसटी के बारे में बात ना करें तो मुझे लगता है मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दोस्तों, आज इस जीएसटी डे पर, तीसरी वर्षगांठ पर, 36 महीने के बाद मैं सरकार से, आप सबके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि किसी भी कानून में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर होते हैं। पहला सिंप्लिसिटी, दूसरा प्रोग्रेसिवनेस, और तीसरा स्टेबिलिटी। अगर ये 3 महत्वपूर्ण पिलर हमारे जीएसटी कानून में भी और ज्यादा फोर्स से इंस्टेट कर दिए जाएं, तो हमारा कानून, जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं गुड एंड सिंपल है, लेकिन और बेहतर और सिंपल और प्रोग्रेसिव और स्टेबल हो सकता है। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो पोर्टल है, जो कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, उसको रोबस्ट किया जाए, उसको यूजर फ्रेंडली किया जाए। हम दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है, और अगर हम ही अपना सॉफ्टवेयर रोबस्ट नहीं बना सकते तो बड़ी ही मुश्किल है। इसलिए हमें और ज्यादा अडेप्टिव होना है, सेंसिटिव होना है टुवर्ड्स दीज इश्यूज। आखिरी में मैं प्रधानमंत्री जी के एक और सपने के बारे में बात कर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि यहां पर उन्होंने कहा हमें इस पेंडेमिक से पहले कि वो देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम सब जीएसटी के ऊपर अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा लगाएं तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 2 साल में हो सकते हैं। कोई भी इनकम टैक्स कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। किसी की भी 1 रुपए की इनकम में से जब सरकार 40 पैसे लेकर जाती है तो उसे दुख होता है, लेकिन जब वही वो गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करता है उस 60 रुपए के 60 पैसे के साथ, तो उसको 18 पैसे या 28 पैसे जीएसटी देने का कोई गम या परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन, कोई ना कोई गुड्स, कोई कोई सर्विसेज वो साथ लेकर आता है। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस को रैशनलाइज करके हमें जीएसटी पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए, और एक बहुत ही सिंपल काम, हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चेन को टैक्स नेट में लाना है। और जैसे ही हमारी कंट्री का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेन, क्योंकि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चेन टैक्स नेट में आते ही हमारा रेवेन्यू, हमारा कलेक्शन जो आज 13 लाख करोड़ रुपए पर था बिफोर पेंडेमिक, मुझे पूरा विश्वास है कि ये 25 लाख करोड़ तक भी जा सकता है अगले आने वाले 3 वर्षों में। तो मेरा सबसे, आपसे फिर हाथ जोड़कर आपको एक बारी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जीएसटी डे की, सीए डे की। हम प्रण लेना हमें चाहिए आज के दिन कि हम सब, जो कि एक जिम्मेदार नागरिक है, हम ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी है, हम अपनी जिम्मेदारी
पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। आखिरी में बस इतना ही कहूंगा कि मैं ये मानता हूं कि जो भी मैं काम कर रहा हूं, क्या वो काम मेरे देश की हेल्प करेगा, क्या मेरे देश को आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्या मेरे देश की गरिमा को बढ़ाएगा, क्या मेरे देश के नाम को बढ़ाएगा, अगर वो करता है तो मुझे वो काम कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।